हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक गुरु। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री। यस, यू हर्ड करेक्टली, केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे भी वीडियोस बनाएं। सो आई थॉट टू मेक सम वीडियोस ऑन केमिस्ट्री चैप्टर्स। एंड आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज इट कैरी अ वास्ट सिलेबस, सो एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और एक पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था आप सबको, जो कि लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से रिलेटेड था, उस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियोज को स्टार्ट करेंगे विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हेयर इज अ क्वेश्चन। A solution of tryptophan has an absorbance at 280 nanometer of 0.54 in a 0.5 centimeter length qubit. Given the absorbance coefficient of tryptophan is 5.4 into 10 to the power 8 liter per mole per centimeter. Absorbance coefficient of tryptophan is given and what is the concentration of solution? हमें find करना है concentration of solution, बाकी values यहाँ पे गिवन है। तो जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। एब्जॉर्बेंस कोफिशियंट 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8, एब्जॉर्बेंस 0.5, लेंथ ऑफ क्यूबिट 0.5। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लैम्बर्ट बियर्ड ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस कोफिशियंट मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। हमें यहां इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ एप्साइलन और लेंथ दोनों ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इस साइड आएंगे तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस अपॉन एप्साइलन डॉट एल। अब वैल्यूज पुट कर लो, 0.54 ये क्या है, एब्जॉर्बेंस है हमारा, अपॉन एप्साइलन की वैल्यू कितनी थी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8, लेंथ हमारा 0.5। अब ऊपर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, नीचे भी डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो डेसिमल यहां पे हमारा कैंसिल हो गया। ऊपर भी 54 है, नीचे भी 54 है, वी विल कट दिस। सो वी हैव 1/5 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर हम सिर्फ इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। आप करके देखना, 1 को डिवाइड करना 5 से, यू विल गेट 0.2, और नीचे तो 10 टू द पावर 8 पहले से था। ये आंसर हमारा मोल में आया है, ठीक है। तो हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट को, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये नीचे है ना, 10 टू द पावर 8 नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको अगर हमें ऊपर सेंड करना होगा तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोल। अब कहीं कहीं ऑप्शन में आपको आंसर मोल में भी दिया रह सकता है या कहीं मिली मोल में भी दिया रह सकता है। तो अगर मोल में आंसर होगा तो ये आंसर आपका सही होगा, लेकिन अगर मिली मोल में आंसर होगा तो आपको कन्वर्ट करना होगा। और सब आप देखो, यहाँ पे 1 mole इज इक्वल टू 1000 मिली मोल होता है, तो इतना मोल इज इक्वल टू कितना मिली मोल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको 10 into 10 to the power 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन विल गेट आंसर 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मिली मोल। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया हो इस क्वेश्चन का। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या हुआ इसका, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि किस चीज से डील करता है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड डेरिवेटिव्स क्या हुआ, वैसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से ही डेराइव किए गए हैं, ठीक है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। सी सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है,
6 and it has 4 electrons in its valence cell. अब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है टोटल, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उस पे 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल पे हैं, तो अदर जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो सेकेंड ऑर्बिटल पे होंगे, और फर्स्ट ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सब पे हमारा ऑक्टेट होना जरूरी होता है फॉर स्टेबिलिटी। सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज 4, एंड जो आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट बोलते हैं। सो वी कैन से दैट 4 इज अ वैलेंसी ऑफ कार्बन। हियर यू कैन सी इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल हम बोल रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्वायर अ स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इट कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, दस कार्बन हैज अ कोवेलेंसी ऑफ 4 और इज टेट्रा कोवेलेंट। अब भाई कोवेलेंट क्या होता है, तो कोवेलेंट वैसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। शेयर कहने का मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को आप भी यूज कर लो और मैं भी यूज कर लूं, किस चीज के लिए, फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहां पे बता रहा है कि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इट इज वेरी हार्ड टू लूज, इसके पास 2 ही ऑप्शन थे ना, 2 ऑर्बिटल इसके थे, फर्स्ट ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन था, सेकेंड ऑर्बिटल पे 4 इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास 2 रास्ता था, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, ऑक्टेट पूरा कर ले और स्टेबल हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, डुएट रहेगा और स्टेबल हो जाए। तो दोनों ही केस में इसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इट इज वेरी हार्ड टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया, दैट इज शेयरिंग। इसने क्या किया, दूसरे कंपाउंड्स को शेयरिंग का रास्ता निकाला, दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट। और क्योंकि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम उस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्रा इज स्टैंड फॉर 4, ओके। 4 जब बॉन्ड्स बनती हैं तो उनको हम टेट्रा बोलते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए कोवेलेंट बोल रहे हैं, दैट इज टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो इट इज अ सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड। अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड कार्बन एटम डू नॉट टेक पार्ट एज सच इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो कार्बन एटम्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म बॉन्ड बट बाय शेयरिंग, नॉट बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। बट इट्स 2s एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स टूगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। बट उनके जो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p2। तो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 2s2 एंड 2p2, वो क्या करता है, वो मिक्स्ड करता है, वो मिक्स्ड करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वो न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब 2 अलग अलग ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कार्बन के केस में यही होता है, इसमें 2s जो ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है और एक न्यू तरह का ऑर्बिटल बनाता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन।
types of hybridization. The types of hybridization encountered in organic compound are sp3, sp2 and sp. मतलब हाइब्रिडाइजेशन के टोटल तीन टाइप्स होते हैं, sp3, sp2 एंड sp. sp3 क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब वैसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं, उन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, etc. sp2 involved in organic compound having carbon linked by double bond. अब sp2 क्या है? तो वैसे organic compound जिसमें दो carbon किसके द्वारा linked होते हैं, तो double covalent bond के द्वारा linked होते हैं. दो carbon atom double bond के द्वारा joined होते हैं. ठीक है, इसका example क्या हो गया, इथीन, इथिलीन. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए. नाउ sp, इट इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड. और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, उसको हम बोलेंगे कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है. एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एसिटाइलीन्स. ठीक है, तो ये सारे जो है वो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है. सो हेयर इज वन टेबल रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज. sp3, sp2 एंड sp में कौन कौन से प्रॉपर्टीज और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इस टेबल में मेंशन किया गया है, जो कि हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं. अभी मैं इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एज इट इज इंट्रोडक्टिव वीडियो, तो बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन करके मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. सो देखते हैं, sp3 में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितना होता है, 109.28 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं. sp2 में कितना होता है, 120 डिग्री होता है. और sp में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है. बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो sp3 में 109.28 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री, sp में 180 डिग्री. ज्योमेट्री कैसा होता है, तो ज्योमेट्री जो होता है वो sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, sp2 में ट्राइगोनल होता है एंड sp में लीनियर होता है. अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स मैंने बताया, sp3 सारे सैचुरेटेड sp3 में आ जाएंगे और जो अनसैचुरेटेड है वो sp2 और sp3 में आएंगे, लाइक अल्केन, साइक्लो अल्केन एंड इन सैचुरेटेड पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. sp2 में क्या होंगे, अल्केन्स एंड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड. वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन से, कार्बन एटम एंड अदर एटम ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन, कार्बन किसी और एटम के साथ भी अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो सारे sp2 में ही फॉल करेंगे. ठीक है, sp में क्या होगा, तो अल्काइन्स एंड ऑल अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स. क्योंकि एज वी नो कि कार्बन एंड नाइट्रोजन ही सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये सारे sp में फॉल करेंगे. बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होगा, sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे. क्योंकि अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मैं अभी नहीं बताई हूँ, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं. कार्बन्स एटम्स में जो भी बॉन्ड्स बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे. ठीक है, और sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा. और sp की बात करें तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा. ठीक है, अब परसेंटेज की बात किया जाए तो एस परसेंटेज, मतलब कि एस ऑर्बिटल की परसेंटेज कितनी होती है इसमें, जब क्योंकि ये तो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड कहने का मतलब ये मिलके बना है, sp कह रहे हैं, तो इसमें एस भी है और पी ऑर्बिटल भी है, दोनों ऑर्बिटल है. तो sp3 में एस का परसेंटेज कितना होता है, तो अगर sp3 बोल रहे हैं, मतलब एस एक है और पी का 3 है,
ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है परसेंटेज कितना निकालेंगे, तो इसका परसेंटेज 25 हो जाएगा। उसी तरह से एसपी टू में अगर निकाले तो 33.3 हो जाएगा, एसपी में निकाले तो 50, क्योंकि एक एस है और एक पी है तो 50-50% है। उसी तरह से पी ऑर्बिटल का भी परसेंटेज होगा, तो एसपी थ्री में पी ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है, 75 है। एसपी टू में पी ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है, तो 66.7 है, और एसपी में 50 है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो एसपी थ्री के जो कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.48 तक होते हैं, एसपी टू के जो कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.75 होता है, एंड एसपी के जो हाइब्रिडाइजेशन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 होता है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा, थोड़ा सा जो बेसिक, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको काफी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पहले पता होने चाहिए। तो मैंने अभी उन छोटे छोटे टॉपिक्स को अभी ओवरव्यू किया है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी नेक्स्ट फर्दर जो मैं वीडियोस बनाऊंगी केमिस्ट्री के, तो उसमें एक वीडियो प्रॉपर वीडियो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, दूसरा जो वीडियो होगा वो प्रॉपर वीडियो सिर्फ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पे होगा, एंड उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे, नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे, उसके रिएक्शंस पे जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसको नॉमेनक्लेचर में डालेंगे सारी चीजों को, और फिर हम धीरे धीरे बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं, नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, उन सबको हम डील करेंगे, और इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो काफी आपको हेल्प करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, और प्लीज हो सके तो आगे के वीडियोस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं पोस्ट करने वाली हूँ उसको प्लीज देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी द टेक्नोलॉजी गुरु।